सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानी को लटका दिया। देखते हैं पहले वीडियो क्या वजह बनी, क्यों लटकाया, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। जो वीडियो लेकर आया हूँ कमर चीमा जी का वीडियो है, और पाकिस्तानियों के लिए तो एक बार फिर मुंह जो है वो शर्म से छुपा लेने वाली खबर है। सऊदी अरबिया एग्जीक्यूट 5 पाकिस्तानीज फॉर मर्डर ऑफ बांग्लादेशी गार्ड। लो जी, 5 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने लटका दिया। क्यों? क्योंकि बेचारे एक बांग्लादेशी गार्ड की उन्होंने हत्या कर दी थी। और ये बात सही है, और ये खबर जोर शोर से पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में फैल गई है, और बड़ी वेबसाइट ने इस खबर को जो है वो पब्लिश किया है। अब आप सोचिए किसने साजिश करी है भाई, या वो पाकिस्तानियों के भेष में कोई दूसरे थे जिन्होंने जाके उसको मार दिया बेचारे को सऊदी अरब में? यही तो दिक्कत है आप लोगों की, आप लोग समझते नहीं है। आप लोग अपनी चीजों को छुपाते हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं है। क्राइम आप करते हैं, आप उसको भी छुपाने पर डिफेंड करने पर तुल जाओगे, फिर कहोगे जब भारत साजिश कर रहा है तो हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, यहूद और निसारा एक हो गए जी, सारा सारी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है। अब खुद क्या कर रहे हो, जो किया है उसका फल भोगोगे। आ गया ना रिजल्ट, चले देखते हैं अब इस पर चीमा साहब जो है वो क्या बता रहे हैं। दोस्तों, 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उमरा करने हैं, लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई, और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है। पर मैं ये इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि चीमा जी को भारत की सारी मिनिस्ट्रीज पता होंगी, भारत की हर एक मिनिस्ट्री पता होगी चीमा जी को, उनके अपने देश की मिनिस्ट्री पता नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन भारत की हर मिनिस्ट्री पता होगी, गारंटी। क्योंकि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखें ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा? और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट और हर जगह से ये अपील्स हुई, और इसके बाद सजा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको करा पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या 1 पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया, तो होना ये था कि कल को वहाँ पर कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है, और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज्जत तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज का काम ये होता है कि वो वीज़ा दे देते हैं बिकॉज उन्हें उमरा करने जाना है,
आए रोज मीडिया में ये खबर आती है जी, आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे, और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं या हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज्यादती हो गई, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारात करने जाते हैं उनको होता है हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ। सो अगर ये बंदा, अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेटवर्क्स हैं ये प्रॉपर लोग, धंधा है, बिजनेस है ये, जो जो जिसे आप कहें। सो पाकिस्तान की जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है वो भी, जिसमें जो कहना कि वो इराक, सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी लेबर जाती है उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप जब अपने दूसरे मुल्क जाते हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो, आप भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी की थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो मुल्क की रखें। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी ये हमारी जो नई हुकूमत आई है, जैसे ही नई हुकूमत आई है मुझे पता नहीं ये कब जाते हैं, बल्कि सऊदी अरब ये उमरा करने अभी जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, अब तो जारी बात है हुकूमतों के पैटर्न से हमें पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो पता चल जाता है। एक तो रमज़ान शुरू हो रहा है, और रमज़ान शुरू होने के बाद ज़रूर पाकिस्तानी लीडरशिप जो है ये 26-27 रमज़ान को उमरा करने जाएगी, और वहाँ पे जाके लीडरशिप को मोहम्मद बिन सलमान को भी मिलेगी, उमरा भी करेगी, और जो है वो एक, और साथ में ये भी कहेंगे कि हमारी मदद करें, और फिर वो हमारी लीडरशिप वहाँ जाके कहती है कि हम मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है, और हम ऐसे नहीं हैं वैसे नहीं हैं। और फिर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ऑपोजिशन जो होती है वो फिर इसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये क्या हरकतें जो हैं वो की जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये मांगना है, या फॉर एग्जांपल बाहर जाके आप दूसरे मुल्कों के लोगों को कत्ल कर दें, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई बुरी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से समझने की ज़रूरत है। जो सोशल इश्यूज होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, उनकी जारी बात है वो एवे नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, और पाकिस्तान के अंदर भी सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे जो टॉप पे जो हमारा जो सोशल इशू है वो हमारी इलिटरेसी है, जो पढ़े लिखे ना होना, ठीक है जी, उससे ये पता चलता है कि हम किधर खड़े हुए हैं। इलिटरेसी जो है, जहाँ पे ये कहा जाए कि लिटरेट होने की डेफिनेशन अपना नाम लिखना और नाम पढ़ना है, तो देन आप देखें ये क्या आपने तरक्की करनी है और क्या होना है। गो के पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो जिसे वो कहते हैं ना कि लिटरेसी ख़त्म करेंगे, लेकिन आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, फॉर एग्जांपल आज से कुछ दो जिसे वो कहते हैं ना साल पहले की, साल पहले की, तो वो कहेंगे 59% पाकिस्तानी जो हैं वो लिटरेट हैं, लेकिन लेकिन सर बात तो वही है कि लिटरेट होने का मतलब क्या है। आपके जो केयरटेकर पीएम थे इसके पहले, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम कश्मीर के लिए 300 बार जंग करेंगे भारत से, तो उनको लिटरेट माना जाए या इलिटरेट माना जाए, बताइए ना। आपका आर्मी चीफ कहता है कि हमारे टैंकों में भरने के लिए फ्यूल नहीं है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, इकोनॉमी खराब हुई पड़ी है, और आपका केयर टेकर पीएम कहता है, जिसको चंद दिनों के लिए कुर्सी दी गई है, वो कहता है कि हम कश्मीर के लिए 300 जंग करेंगे, तो इसको लिटरेट कहें या इलिटरेट कहें, बताइएगा जरूर। लेकिन ये जो लिटरेट हैं ये इनकी भी आप जैसे कहते हैं ना, अगर लिटरेसी की डेफिनेशन समझेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही 59% है जो मैंने आपको बताया कि जो नाम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बड़े कम लोग हैं इसमें। जारी बात है एजुकेशन अनअफोर्डेबल है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट उस तरह नहीं है, फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारे इशू के मुल्क के अंदर, फिर एजुकेशन जैसे मैंने कहा कि जो बजट के लिए एजुकेशन के लिए बजट मुख्तस नहीं किए जाते, फ्री एजुकेशन जिस तरह देनी चाहिए वो नहीं है, तो जारी बात है हमारा जो
टॉप इशू बनता है वो सारे का सारा वो इसी में आता है कि हम एक इलिटरेसी होने की वजह से ये इस तरह के मसाइल का सामना है। एक तो जाहिर बात है लोग हम बाहर जाते हैं तो ये फिर ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, लेकिन अदर देन दैट ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रेन करना चाहिए। दूसरा, गुर्बत इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, सारे सियासतदान नारे मारते हैं रोटी कपड़ा मकान, बट जिसे वो कहते हैं कि कोई इसको एड्रेस नहीं करता। कहा जाता है कि 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 67 जो हैं वो अपनी 5वीं बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं। ये दिस इज़ व्हाट द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट सेज कि पाकिस्तान में अगर 1000 बच्चा पैदा हुआ है तो 67 जो बच्चे हैं वो 5वीं सालगिरह से पहले मर जाते हैं। दैट टेल्स के ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसी तरह तकरीबन 25% के करीब जो लोग हैं, 24.3% के करीब जो लोग हैं वो जो बिलो द पावर्टी लाइन है, दिस इज़ व्हाट द एशियन डेवलपमेंट बैंक सेज, वो उससे भी नीचे रहते हैं। सो सर डेटा अपडेट करिए, मुझे लग रहा है डेटा में आपने कुछ गड़बड़ किया है, या तो वर्ल्ड बैंक का डेटा है या IMF का डेटा है। 39% लोग आपके यहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, इट मींस 40% करीब करीब। तो 24-25% कह के सर समझ रहे हैं ना, डेटा अपडेटेड होना चाहिए। नियर अबाउट 40% लोग आपके यहाँ बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं सर। चीमा जी, और अभी जिस सॉफ्ट तरीके से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है ना, वो आपने जानबूझ कर किया है क्योंकि छवि और ख़राब होगी, वो आपने मिस कर दिया, वो बोला ही नहीं है। आप पूरे इस बातचीत को जो है बड़े सॉफ्टली मोल्ड करके जिस पोजीशन पे ले आए हैं उसके बारे में ही बात करूंगा मैं आगे। रुकिए, तो जब इतनी पावर्टी होगी लोग बाहर जाएंगे, जब लिटरेसी नहीं होगी, जब हम उनको मैट्रिक करा के भी बाहर नहीं भेजते, अगर इन्होंने कोई FA BA ऐसा करके गए हों तो इनके लिए वहाँ पे कोई अच्छी जॉब ढूंढना भी आसान हो, ये कोई एक गार्ड्स को ना मारते फिरें, ये लोगों को उस तरह एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे हमले ना करते फिरें। सो ये चीज़ें तो हैं। फिर हमें एंड देन फिर जो तीसरा बड़ा मेरी नज़र में एक सोशल इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। पांचवा दुनिया का बड़ा यंग कंट्री है, 63-65% के करीब यंग लोग हैं इस मुल्क के अंदर, और मैं समझता हूँ इलिटरेसी अपनी जगह पे और उसके बाद पावर्टी अपनी जगह पे, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट है ये सबसे बड़ा जो है ना वेले लोग बैठे हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया पर जो लोग हैं 10-20 हज़ार रुपया दो, जो मर्जी उनको दो और उनको करा लो। लाहौर के अंदर अभी रिसेंटली एक कहते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन के मारा गया, उसको लड़का था अमीर बलाच, तो वो कहते हैं जी वो जो शूटर हैं उनको 20-25-25 हज़ार रुपये में हायर कर लेते हैं। अब लोगों के पास अरबों रुपये होते हैं, वो उस अरबों रुपये वाले बंदे को 5 मिनट में ख़त्म कराने के लिए आप 20 हज़ार रुपये वाला बंदा हायर कर लें और 20 हज़ार वाला बंदा ढूंढें, उसको कहो भाई तुम ये करो और हम तुम्हारी जो है वो बेल बाद में करा लेंगे, या तुम्हारा केस लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड पीपल डू इट। ठीक है जी। सो अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये 63% लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इतने हैविली इन्फ्लुएंस्ड हैं हमारी जो पॉलिटिकल क्लास के नैरेटिव से कि वो फिर देन सोशल मीडिया पे अगर बैठते हैं चोरी चकारी करते हैं, मोबाइल फ़ोन खींचते हैं करते हैं, और तो वो फिर एट द एंड ऑफ द डे उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हमारे अदर देन दैट हम देखें ना कि एक तो लोग हैं कि हमें ये पता चल गया कि भाई पाकिस्तानी रुपए में तो गुजारा नहीं होता, हालांकि इस्लामाबाद के अंदर जब मैं रहता हूँ या बाकी जगहों पे हम जाते हैं तो हर जगह पे आपको भीख मांगने वाले नज़र आते हैं, जिसको गवर्नमेंट बड़े ऑपरेशन करती है लेकिन वो फिर ना फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। और चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर तो अपनी जगह पे, लेकिन बच्चे भी भीख मांगने में शुमार होते हैं, और फिर फैमिलीज के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो फिर चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब ये कि उन लोगों को, छोटे बच्चे को घरों में काम करने के लिए वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो वो चाइल्ड लेबर इज़ अनदर हमारा एक सोशल प्रॉब्लम है, जो कि फैमिलीज़ कहती हैं कि अगर हम अपने बच्चे को घरों में ये काम भी ना करवाएं तो हम उनको भीख मांगने से करवाएं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये ठीक है, आई पर्सनली बिलीव इट्स रॉन्ग कि चाइल्ड लेबर इन एनी वे इज़ अ क्राइम,
एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आई थिंक इसकी क्योंकि एज रखी है 13 साल 14 साल के कम बच्चे को आप लेबर पे नहीं रख सकते इस क्राइम। और फिर देन हमारा ये भी एक इशू है कि हम वो जो 35,000 30-35,000 होती है सैलरी होती है उसको भी हम वो नहीं लोग देते। सो हमने वो अपना एक रखा हुआ है कि माशरे को किस तरह हम वो करें। फिर देन पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे अगर मैं मसाइल एक्सप्लेन मसाइल जो हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो बड़ी तादाद में चीज़ आएगी। लेकिन देन फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मसाइल हैं, लड़कियों को फेवर नहीं करना, लड़कों को फेवर करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। लेकिन आप देखें कि अगर सऊदी अरब में आप बैगर्स के तौर पर जाते हैं तो देन आप इमेजिन कर लें कि क्या होगा। मुझे रिपोर्ट याद आ गई कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जो है वो ये बताया गया था कि जो 90% प्रोफेशनल बैगर्स जो मिडिल ईस्ट में होते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं। बिल्कुल मुझे याद आ गई रिपोर्ट, 90% प्रोफेशनल बैगर्स ये हुकूमत पाकिस्तान खुद मानती है। दिस इज़ नॉट वॉट द सऊदीज और द अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आर टेलिंग अस। सो हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ को मानती है कि जो 90% प्रोफेशनल बैगर्स हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। मतलब क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है कि हमने बैगर्स भेजने हैं? अगर सऊदी अरब आपको उमरा की टिकट देती है, उमरा के लिए इनवाइट करती है या आपको वीज़ा लगा के देती है, दैट डजंट मीन कि वहाँ पे आप जाके नेटवर्क्स के हाथों में खेलना शुरू कर दें। और जिसे वो कहते हैं ना, एंड देन वो लोग जो हैं सर छोड़िए, यूएई में भी यही हालत है, लड़कियां तक भीख मांगने से पीछे नहीं हटती। और जापान में अभी एक वीडियो आई थी जापान से, वो दोनों वीडियो मैं आपके सामने दिखा देता हूं एक साथ बैक टू बैक, दोनों जगह पे आपके बंदे भीख मांग रहे हैं। तो अब तो ये और ज्यादा मामला ब्रांचेस फैल गई हैं। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। देख लिया वीडियो आपने, तो ब्रांचेस फैल गई हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्सेज शुरू करने चाहिए कि भीख कैसे मांगें। भीख मांगने में आप ग्रेजुएशन करें, भीख मांगने में आप मास्टर्स करें, भीख मांगने के तरीकों में आप पीएचडी करें, तो बड़ा मज़ा आएगा। और क्यों ना हो, क्योंकि जो आपके यहाँ सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं वो भी गजब गजब लोग हैं। अब एक महिला है, पता नहीं मलेशिया में रहती हैं, कहाँ रहती हैं, लड़की हैं, और उन्होंने करोड़ों बना लिए हैं भीख मांग मांग कर। मैं नहीं कहता जी, सुनिए। लाइबा मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं जी, तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। तो जब ऐसे लोगों से आदमी होगा कि कुछ करना धरने ने भीख मांगकर, ये लड़की घर गाड़ी बैंक बैलेंस आना जाना हवाई जहाज से, तो भाई हम क्यों पीछे रहे, ये चीज है। और जिसे वो कहते हैं ना, एंड देन वो लोग जो हैं, आप इमेजिन करें कि एक बंदा जो यहाँ से जा रहा है उसके ऊपर अगर 1.5 लाख रुपया खर्चा भी आ रहा है, आई डोंट नो कितना आजकल आता है, तो वो कितना पैसा कमाता होगा कि वो उसके ऊपर जो 1.5 लाख उसका खर्चा है, एंड देन उसको अपना जो है वो जो उसके ऊपर उसका अपना खाना पीना, एंड देन उसको भी कमा के देंगे और वो पीछे भी कमा के देंगे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी वो कहते हैं जी पिक पॉकेटिंग में इन्वॉल्व हैं, पैटी क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, एंड देन इंक्लूडिंग वो सऊदी अरेबिया में ग्रैंड मॉस्क। यार मतलब आप मदीना मनवरा जो है उसको तो माफ़ कर दें, आप मक्का को तो माफ़ कर दें। सो ऐसे ही कहते हैं ना, देयर इज अ सोशल डीजनरेशन है जिसे वो कहते हैं ना कि, और इसका फिर ये हुआ कि दिस दे डिडंट जस्ट स्टॉप हियर।
दे आर ऑल्सो गोइंग टू ईरान एंड इराक फॉर बैगिंग पर्पजेज बिकॉज वहाँ पे सारे के सारे जाते हैं फॉर पिलग्रमेज रिचुअल्स करने जाते हैं एंड देन दे रियलाइज कि भाई यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो जिसे कहते हैं ना वो ज़रूरी है कि वो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ये अमीर होंगे इनके पास पैसा होगा सो इट्स गुड कि आप इनको ये चीज़ कर दें सो मैं समझता हूँ कि ये दे आर नॉट डूइंग अ सर्विस टू द कंट्री दे आर डूइंग डिस सर्विस टू द नेशन और पर्टिकुलरली जो लोग बाहर बैठे हैं ईच वन ऑफ देम इज़ एन एम्बेसडर ईच वन ऑफ देम उनमें से हर कोई जो शख्स है वो अम्बेसडर है अपने मुल्क का पाकिस्तान का अम्बेसडर है सो आई थिंक दैट्स वेयर दे हैव टू लुक एट ये बात है चीमा जी अगर लोग समझ जाएं तो आपका देश भला ना हो जाए लेकिन यही तो बात नहीं समझते और देखिए जो मैं बात कह रहा था ना कि आप ओवरऑल जो एक क्रिमिनल इंसिडेंट को आपने पेटी क्राइम की तरफ धकेल दिया आप उसको बैगिंग पे ले आए पूरा वीडियो आपने बैगिंग पे बना दिया आप मेरा पॉइंट समझिएगा अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो आप मेरा पॉइंट समझिए आपने सऊदी अरबिया में जो क्राइम करते हैं पाकिस्तानी जो बिग क्राइम्स हैं उनके आप उनका जिक्र नहीं किया आपने आपने दूसरे देशों में जाकर जो पाकिस्तानी बड़े क्राइम्स करते हैं आपने उनका जिक्र नहीं किया आप उसे भीख मांगने पर ले आए मतलब आपने टोन डाउन कर दिया बिल्कुल नहीं वो तो भीख मांगने जाते हैं बेचारे चूंकि यहाँ पाकिस्तान के भीतर हालात ख़राब हैं अनएम्प्लॉयमेंट है समाज की प्रोग्रेस नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है इलिटरेट नहीं है तो बेचारे भीख मांगने चले जाते हैं बात भीख मांगने की नहीं बात है क्रिमिनल माइंडसेट की और आपने उसकी बात नहीं की आपने इसकी बात जरूर करनी थी कि सऊदी अरब में ड्रग्स के काम में कौन कौन मुलव्वस है आपके पास वो रिपोर्ट होगी अब तक ड्रग्स की वजह से ड्रग्स के काम में नशे के काम में सऊदी अरब में पता है ना कितना बड़ा जुर्म है 60 से ज्यादा 60 मोर देन 60 पाकिस्तानीज एग्जीक्यूटेड सऊदी 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लटका चुके हैं क्यों ड्रग्स का धंधा करते हैं आपने इसकी बात नहीं की आपने टर्की में उन पाकिस्तानियों की बात नहीं की चलिए लड़कियों को छेड़ने वाली बात तो मैं खत्म ही कर देता हूं जो वहां पर किडनैपिंग गैंग्स चलते हैं और उनसे टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपने उसकी बात नहीं की मैं आपको टर्की के एक न्यूज़पेपर की खबर दिखा देता हूं आपको शायद जाकर आप और ज्यादा रिसर्च करेंगे जिसमें नेपाली टूरिस्ट को पाकिस्तानी गैंग ने किडनैप कर लिया और टर्की की पुलिस ने फिर छुड़वाया वो फिरौती के लिए किया था और उसमें एक लड़की शामिल थी पकड़े गए लोगों में पाकिस्तानियों में गैंग चल रहा है वहां पे आपने उन पाकिस्तानियों की बात नहीं की जो ग्रीस में जाकर टेरर प्लॉटिंग करने के मामले में पकड़े गए 8 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए टेरर प्लॉटिंग में आपने इन सबको डाइवर्ट कर दिया अरे नहीं वो तो भीख मांगने चले जाते हैं चूंकि प्रॉब्लम ज्यादा है पाकिस्तान में और ऐसा है वैसा है तो आपने बड़ी बातें नहीं की बड़ी चालाकी से सॉफ्टली आपने चीजों को छुपा लिया आपको ये बातें करनी चाहिए ना यूएई क्यों बैन कर रहा है कितनी सिटीज को पाकिस्तान की सिटीज को बैन कर दिया है कि वहां से आने वाले बंदों को वीजा नहीं मिलेगा आपने इसकी बात की क्यों नहीं क्यों की सिर्फ भीख मांगने की वजह से नहीं की है भीख मांगना तो एक बहुत छोटा सा मामला है सर बहुत छोटा सा मामला है मेन मुद्दा है क्रिमिनल माइंडसेट क्राइम जो बांग्लादेश के गार्ड का मर्डर करके पाकिस्तानियों ने किया 5 पाकिस्तानियों ने आपने क्राइम को भीख मांगने पर लेके आ दिया मर्डर और भीख मांगना एक साथ नहीं कंपेयर किया जा सकते ना टेरर प्लॉटिंग और भीख मांगना एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकते किडनैपिंग और भीख मांगना एक साथ कंपेयर नहीं किए जा सकते लेकिन आपने उनकी बात नहीं की क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम है और उससे आपके देश की छवि खराब होती है भीख मांगने से नहीं हो रही है लोगों में डर उन चीजों की वजह से हो रहा है उन क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है उन टेरर एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी शामिल लेकिन बड़ी चालाकी से आपने ये बातें जो है नहीं की दर्शक आप क्या कहते हैं जो मैंने पॉइंट्स दिए जो मेरा एंगल है जो मेरा काउंटर है क्या वो सही है या गलत है कमेंट करके जरूर बताइए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद तो जी दोस्तों वीडियो हुई खत्म सबसे पहले तो भाई हमारी तरफ से ये माजरत वो जो बांग्लादेशी के साथ हुआ यार ये यार, शेम यार, होती है हमें हमारी तो तबीयत ही बकवास किस्म की हो गई है हमारी कौम को पता नहीं हो क्या गया है जहां से आते हैं कि वहां से तरीका है भाई शॉर्टकट अपना रहे हैं सारे जल्दी जल्दी यार क्या है
उसका क्या गुनाह था, ये मतलब कि ये इतना बड़ा कौन सा गुनाह था जो ये उनको पकड़ के कत्ल कर दिया। अच्छा इनकी उम्र भी अच्छी खासी है, इन चार पांचों की ना, सारी बात है सियानी म्यानी उम्र के बंदे हैं, लड़के नहीं है बड़ी उम्र के। ये बात ये है असलम भाई यार, ये हर तरफ से हमारे लिए बेइज्जती क्यों है। अब सऊदी अरब में पैसा दे रहा, हमारे सऊदी अरब के तलकात पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे थे, अभी भी काफ़ी बेहतर है, पाकिस्तान के बैंक्स में उनका काफ़ी पैसा पड़ा है, उनकी वजह से आज हमारा पाकिस्तान स्टेबल, कुछ कुछ चीज़ें जो बेहतर हैं। लेकिन अगर कल कलाम को अगर वो अपने इन्हीं पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान जो सऊदीया में है उनको वापस पाकिस्तान भेज देता तो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। यानी कि वो क्या एक कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। इसी तरीके इन चार चार पांच लोगों की वजह से जो मर्डर किया, बाकियों को वो डिपोर्ट कर दें तो क्या बने। जो है ना अनुसार भाई आप बाहर नहीं रहे, मैं रहा हूँ। एक बंदा अगर वहाँ पे गलत करता है ना, जितनी कम्युनिटी होती है ना पाकिस्तान के, जो कह लें कि जितने लोग वहाँ पे रहते हैं वो सारे गंदे उन गंदे हो जाते हैं, उनको बुरी निगाहों से देखा जाता है। करनी एक नहीं होती है लेकिन भुगतना जो होता है बाकियों को होता है। तो ये पाकिस्तान का वतीरा पाकिस्तानी लोगों का बना हुआ है कि जिस भी कंट्री में जाते हैं ना वहाँ पर ऐसे फ्रॉड करते हैं। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही कि आपने अगर डकैती करनी चले आप उसे मारें पीटें जो मर्जी करें, लेकिन उसको मार देना जान से, ये मैं कहता हूँ कि बहुत गलत उन्होंने किया। और उसके साथ आप देख लें कि सऊदीया है, उनको ये भी नहीं पता था कि भाई अगर हम अमीर ना बन सके तो हम सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे उन्होंने भाई सऊदी अरब का यही है, स्ट्रिक्ट है वो अपने मामलात में, और उन्होंने लगा दिया फांसी यार ये तो। हाँ एक और बात मेरे जहन में, कतर ने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर को लगाया था सराय मौसम आई थी, तो पीएम मोदी साहब का और इंडिया का ये पावर थी कि आज वो सारे के सारे नेवी ऑफिसर इंडिया के अंदर मौजें कर रहे हैं। मेरा अब ये सवाल है रहमतुल्लाह तुझसे, ये जो 5 कैदी सजाए मौत हुई है लटका दिए, ये तो मेरे ख्याल में चले गए, इनको पाकिस्तान बचा सकता था, बचा सकता है पाकिस्तान की सुननी क्या है, सुनने की नहीं बात है। जो नेवल ऑफिसर थे उन्होंने वो कतर नहीं किया था, इन्होंने कतर किया था। और सऊदी अरब जो है वो अपने शरिया कानून के मुताबिक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट यार सख्त है। मेक आप कतल की बात करें दोनों को, यहाँ इनको भी डेथ सेंटेंस उन्होंने भी सजाए मौत दी है और उनको भी सजाए मौत नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने किसी को कतल तो नहीं किया था, इन्होंने तो कतल कर दिया, वाजिया सामने केस आ गया, सबूत अब मिल गया उनको। तो मैं ये कहता हूँ कि रिक्वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत किया था, ऐसी सजा देनी चाहिए इबरत का निशान बनते ताकि दूसरे भी लोग इनसे इबरत पकड़े। ठीक हो गया, बिल्कुल सही किया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। और ताकत की बात की है तो इमरान खान साहब की ताकत थी, उसने 8 फीसद जो 8 लोग नहीं, उसने हजारों की तादाद में जो जेलों से जेलों बंदे छुड़वा कर पाकिस्तान में लाए थे, ये आपको याद है मेरे ख्याल से, है कि नहीं शायद इमरान खान साहब सऊदी अरबिया में गए थे। ये होता है कि हमारे जो जाते हैं ना पाकिस्तानी भाई दूसरे मुल्कों में, तो वो उनका यही होता है, अगर यहाँ पर भी हो तो यही उनका वतीरा होता है कि भाई हम जल्दी से जल्दी कोई ऐसा शॉर्टकट लगाए जिससे रात अमीर हो जाए। देखे ना कि हम कंडेम करते हैं, गलत हुआ, इस तरह नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, किसी कंट्री में भी नहीं ऐसा होना चाहिए किसी लोगों के साथ, किसी मजहब से जिससे भी तलक रखे। बांग्लादेशी है, बंगाली है वो, मुस्लिम भी होगा, चले मुस्लिम है यानी जो भी सिक्योरिटी, नेपाली और बंगाली। भाई हमारी तरफ से सिर्फ इस वीडियो में इतना ही है, हमारी तरफ से अपॉलोजी है और शेम भी है, हमें करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने नस्ल को यार सुधारना पड़ेगा, ये मेंटालिटी, ये सारा अमल यार गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नाड़े साथ, तब तक दीजिए इजाजत।